इस क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका क्या है, लॉग कॉस एक्स का फंक्शन है और कॉस ई की पावर एक्स का फंक्शन है, फाइनली ई जो है एक्स का फंक्शन है, मतलब अगर आप एक्स की कोई भी वैल्यू प्लेस करते हो तो पहले ई की पावर एक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है, ई की पावर एक्स, और फिर आपका क्या होगा, कॉस ऑपरेट होगा उस वैल्यू पे, उसके बाद क्या होगा आपका, लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, दैट मीन्स सबसे आउटर फंक्शन लॉग है और सबसे इनर फंक्शन जो है ई बोला जाएगा या ई टू द पावर बोला जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया, तो चेन की सबसे पहली कड़ी ये हो गई, सेकेंड ये हो गई और आखिरी कड़ी ये है इस चेन की, तो इस सीक्वेंस में ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अब एक फंक्शन एट ए टाइम डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसके अंदर जो भी उसे यू एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, वेयर यू क्या हो जाएगा, जो भी था ये कॉस ऑफ, ये यू हो गया आपका कॉस ऑफ, और जो अंदर है इसके अंदर है ये वी ले लीजिए, ठीक है, तो कॉस ऑफ वी, वेयर वी क्या है आपका, दैट इज ई टू द पावर एक्स। तो ये सीक्वेंस आप एज्यूम करते जाइए जब तक आपका एक्स का फंक्शन ना आ जाए, तो ये आखिरी वी जो है ये एक्स का फंक्शन है, ठीक। अब चूंकि वाई यू का फंक्शन है तो हम इसे यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी यू ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ लॉग ऑफ यू दैट इज वन बाई यू, लेकिन यू हमारा डमी वेरिएबल है, इसको रिप्लेस करेंगे जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था, तो यू क्या है, कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, तो वन बाई कॉस ऑफ ई टू दी पावर एक्स दैट इज योर डी वाई बाई डी यू से दैट इज योर फर्स्ट रिजल्ट। नाउ डिफ्रेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू वी, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी वी ऑफ यू दैट इज इक्वल टू डी बाई डी वी ऑफ कॉस ऑफ वी दैट इज माइनस साइन ऑफ वी, वी फिर से डमी वेरिएबल है हमारा तो हम इसे हटाएंगे, ठीक है, वी क्या है, ई की पावर एक्स है, तो दैट इज साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स दैट इज रिजल्ट नंबर टू, ठीक है। इसी तरह से वी क्या है आपका, एक्स का फंक्शन है, तो इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स दैट इज कॉल्ड ई की पावर एक्स, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं, सो दैट इज रिजल्ट नंबर थ्री। अब हमें निकालना क्या है, dy by dx, तो सिंस dy by जो dx होता है दैट इज dy by du, सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, du by dv into dv by क्या हो जाएगा आपका dx, तो ये पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं, माइनस पहले लिख दे रहे हैं दैट इज ई की पावर एक्स और फिर आपका साइन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन साइन अपॉन कॉस ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, सेम एंगल पे साइन कॉस है तो इनको टेन लिख सकते हैं, तो इट कुड बी रिटन एज ए माइनस ई की पावर एक्स टेन ऑफ ई की पावर एक्स। ये तो आपका यूजुअल तरीका हो गया जो हम लोग करते हैं, लेकिन कभी भी ये जब भी लॉन्ग क्वेश्चन करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन के प्रोसेस में आते हो, तो कभी भी आप ये डमी वेरिएबल के थ्रू नहीं करते हो, डमी वेरिएबल के थ्रू करोगे तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेट क्या हॉज पॉज नजर आएगा या स्पेसियस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आप बस और हम लोग अपने आप को ग्रो करते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि आखिरकार फाइनल रिजल्ट हो क्या रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे या क्या किया है फाइनली, पहले सबसे पहले आउटर फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स होता तो वन बाई एक्स होता, लॉग यू होता तो वन बाई यू होता, लॉग वी होता तो वन बाई वी होता, तो लॉग के अंदर जो भी है वो वन बाई हो जाएगा, तो हम सबसे पहले लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम डीवाई बाई डी एक्स दैट इज लॉग का डिफरेंशिएशन आपका वन बाई हो जाएगा, तो वन अपॉन वॉट एवर द इनसाइड ऑफ द लॉग क्या है आपका कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये जो डिफरेंशिएशन आया है ये लॉग का आया है। फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे या जस्ट इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन, अब कॉस के अंदर जो भी है
वो लिख देंगे माइनस साइन तो कॉस का डिफरेंशिएशन है, लेकिन साइन के अंदर कॉस के अंदर क्या था e की पावर x, तो यहाँ e की पावर x लिख देंगे इनटू, ये सारा इनटू होता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट आउटर फंक्शन क्या है e है, और e का चाहे आप डिफरेंशिएशन करिए या इंटीग्रेशन करिए यू गेट द सेम थिंग, तो e की पावर जो भी है तो e की पावर x, और ये आखिरी चेन चेन की आखिरी कड़ी थी जो डिफरेंशिएट होनी थी क्योंकि ये x का फंक्शन है, ठीक है। तो दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। अब इसी को रीअरेंज कर लीजिए, देखिए साइन अपॉन कॉस ये चीज क्या हो जाएगी आपकी टेन हो जाएगी जो यहां लिखा गया है, और e की पावर x पहले लिख लिया गया है, और ये आपका माइनस साइन रहा। तो आप हमेशा आदत डालिए डायरेक्ट करने की, क्योंकि यही प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करते हैं इन फ्यूचर।